हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लकी किचन। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो है आलू फ्राई। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 छोटे छोटे साइज़ के आलू ली है और इसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मोटा मोटा करके काट लिया है इसको। सो इसको हम क्या करेंगे, अभी पानी में भिगो के रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना स्टार्च है आलू का वो निकल जाए। सो आप पानी डाल दें, डाल के इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो देखिए, 5 मिनट बाद इसको आप अच्छे से वॉश करके आलू को निकाल लें। सो देखिए, पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और स्टार्च नीचे जम भी जाता है। सो ये देख सकते हैं पानी का कलर। सो पैन में मैं गरम कर रही हूँ 3 टेबलस्पून सरसों का ऑयल। सो आप अपने हिसाब से तेल गरम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कौन सा तेल यूज़ करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सरसों, 2 सूखी मिर्च, 1 चुटकी हींग और 1 हरी मिर्च। सो इसको हम अच्छे से भून लेंगे, अभी एक खुशबू आने तक इसको भून ले। और ये देखिए, भूनना हो गया है। सो अब ऐड कर दें आलू को। सो आलू को डाल दें यहाँ पे और अच्छे से मिक्स कर लें। सो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि तेल कुछ ज़्यादा आ गया शायद, लेकिन ये लगेगा क्योंकि आलू तेल में ही बॉईल होगा, पकेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पानी ऐड नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप ऐड कर दें नमक को भी स्वाद अनुसार। पहले ही आलू में ही नमक ऐड करना, ताकि आलू फीका ना लगे, अंदर से आप आलू का टेस्ट अच्छा आए। और इसको कवर करके हम क्या करेंगे, 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पका लेंगे। सो ये देखिए, आलू का कलर भी चेंज हो रहा है। देखिए, सो अभी हम ऐड कर देंगे मसालों को। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और खाने में भी अच्छा लगे। तो इसको आप मिला लें अच्छे से। इसको हम कवर करके 8 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में हम पका लेंगे। और ये देखिए, 8 मिनट बाद आलू देख लीजिए, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये अच्छे से पक भी रहा है। देखिए, और तेल का मात्रा थोड़ा ज़्यादा देने से आलू अच्छे से फ्राई होता है एंड पक भी जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर ले आलू कितना पका है आपका। सो देखिए, मेरा आलू थोड़ा कम है और पकेगा थोड़ा। सो ये देखिए, एकदम अच्छे से ये सॉफ्ट नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यही पे कसूरी मेथी डाल देंगे। आप थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दो, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, और इसको मिक्स कर ले। जैसे कि मेरा आलू एकदम सॉफ्ट नहीं हुआ था। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर करके 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे, ताकि कसूरी मेथी का टेस्ट भी आ जाए और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए, आलू फ्राई हो गया है। इसको आप एक प्लेट में निकाल ले। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, आप ऐसे बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स।
आप इसको रोटी के साथ ले सकते हैं, पूरी के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप बना के देखिए घर में और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये रेसिपी। ये देखिए है ना मज़ेदार रेसिपी, आप बना के देखना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।